नमस्कार। एगो सवाल है, एक एगो माथा पे चढ़ना समझते हैं? अच्छा, एक तो और सवाल करता हूं, माथा पे चढ़ के नाचना समझते हैं? एक तो और लास्ट सवाल, सर के ऊपर पानी गुजरना समझते हैं? अच्छा, लास्ट एक और था, बस निजीकरण समझते हैं? निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन जरूर समझते होंगे, सब पढ़ने लिखले हैं भाई लोग, बहुत अच्छे से समझते होंगे। लेकिन सवाल है कि करे तो क्या करें, क्या कहल जाए, व्हाट टू डू? गवर्नमेंट है, करेगा क्या मर्जी। एक बात बताइए, हम आपसे पूछते हैं, आप सरकारी बैंक सार्वजनिक बैंक में कहाँ लगे आए थे? इसीलिए ना आए थे कि जो है सब कुछ तो ठीक है भैया, हमारा सैलरी बढ़े ना बढ़े जो भी है, हमारा जो है मेन फोकस है जॉब सिक्योरिटी, नौकरी का सुरक्षा, कि 60 साल तक अपना जो है शांति से जिएंगे, हर हर किचकिच नहीं रहेगा, परेशानी रहेगा, माथा का जो है कचरा नहीं होगा। यही तो कमा तो ज्यादा ही कर रहे हैं, कम तो नहीं कर रहे हैं आज के डेट में, नोटबंदी, जनधन, मुद्रा, स्टैंड अप इंडिया, आधारो कार्ड बनाए, बाकी तो काम कर ही रहे हैं, काउंटर से आदमी नहीं हट रहा है, लगातार काम बढ़ रहा है, सब कम में जो सरकार को समझ में आता है ना, यार ये काम कर रहे थे तो बैंक वाले को तो सब कम में कर रहे हैं, कोई काम नहीं छूटा, 12 घंटा तक छुट्टी हो या जो रहे, सबको मालूम है, बैंकर भाइयों को मालूम है क्या कर रहे हैं। लेकिन ऐसा काम है कि काम खत्म ही नहीं होता है, जब से बैंक ज्वाइन किए हाई टाइम, बहुत बड़ा समय है, क्रूशियल टाइम है। हमरो सीनियर बताते हैं कि उनका टाइम क्रूशियल टाइम है, इंपॉर्टेंट टाइम है, उनके पहले भी जो रिटायर करेंगे ना वो बताते हैं कि बड़ा एकदम जब से ज्वाइन किए तब से यही सुन रहे हैं, क्रूशियल टाइम है, हाई टाइम करके ना कि 12 घंटा 14 घंटा काम खटवा लिया हमसे, ठीक है। जब वेतन बढ़ाने का बात आता है, जब बाकी और कोई मुद्दा आता है तो बोलते हैं कि बैंक घाटे में, बैंक हमरा कारण घाटे में है, हैं? ये 12 घंटा 14 घंटा जो आम बैंक कर्मी से काम करवाए हैं उसके वजह से घाटे में है। जब भारत देश है, विश्व का 5वां सबसे बड़ा सैन्य बल वाला देश है, बड़ा बड़ा मिसाइल है, रॉकेट है, लड़ाकू विमान है, सब चीज है, बम है, सब है, लेकिन कोई यो यकीन करेगा कि जो कॉरपोरेट डिफॉल्टर है, बड़ा बड़ा डिफॉल्टर जो पैसा लेकर बैठा हुआ है, वो आप उसे रिकवर नहीं कर पाए? अब पूरी कवर नहीं कर पाए तो गीता का कर्म फल सिद्धांत है, जो कर्म किया है वो कर्म किया है तो जिसका जैसा कर्म है फल उसको मिलेगा। अब उसका कर्म है, उसका कुकर्म है, सजा हम नहीं दीजिएगा, बैंक वाला आम बैंक कर्मी को दीजिएगा। आप पेंशन बंद करिए दिए, वेतन वृद्धि पे भी लगाम लगाइए दिए हैं बोल बोल के, काम लिए पूरा, स्टाफों ने भर्ती किए बोले बैंक घाटे में काम ले लिए टाइट होकर के, एकदम जोर से, एकदम कस के। अब जो है एक छो बचल था जॉब सिक्योरिटी, कि वे सार्वजनिक बैंक का जो है नाम है तो जॉब सिक्योरिटी है, यही ना एक छो बचल था, बाकी तो सब छीनिए लिए हैं आप लोग, लगातार छीनिए रहे। अब जो है बताइए, जॉब सिक्योरिटी अगर छीन लीजिएगा तो फिर हम मतलब पागल थे कि हम लोग जो है बैंक वाला सर आपको जो वोट दिया ना, पागल थे हम लोग? हमारा हर आदमी का अपना चॉइस होता है करियर के टाइम में, किसी को होता है ना प्राइवेट में जाएंगे, बड़ा बड़ा सीईओ बनेंगे और जो है लाखों रुपया कमाएंगे, किसी को धंधा पानी में होता है। हम भाई सब प्रायोरिटी छोड़ के यही प्रायोरिटी पकड़े कि हमारा जो है जॉब सिक्योरिटी हो, हमारे परिवार के लिए हो, एकदम बिल्कुल वही बात है। आप ऐसे समझिए कि आप कहीं से आ रहे हैं, स्टैंड स्टेशन से बाहर निकले, स्टैंड पे पहुंचे, गाड़ी लिए, स्टैंड पर ढेर सारा गाड़ी था, बहुत मनी गाड़ी था, बहुत सारा ऑप्शन था आपके पास, छोटका गाड़ी, बड़का गाड़ी, टेम्पो, कार, बस, सब था ऑप्शन आपके पास। आप बैठ गए कोई गाड़ी सिलेक्ट करके, एक ऑप्शन पकड़े, सारा ऑप्शन छोड़ दिए, था ऑप्शन आपके पास, छोड़ दिए सारा ऑप्शन, आप पकड़े या चले गए, रास्ते में पहुंचते हैं, बीच जंगल होता है, सुनसान रास्ता होता है, वहां कोई गाड़ी नहीं दिख रहा है, और वहां पे अगर आपको ड्राइवर बोले कि आप उतर जाइए, हम नहीं जाएंगे, हमको नहीं जाना है,
आप उतर जाइए, आप अपना परिवार बच्चा पुत्र सब लेकर के कहां जाइएगा, बोलिए ये सही है ना कि गलत है। कि किकरों से पूछेगा, कोई यो आदमी से पूछेगा, 100 में 2 आदमी बोलेगा ना जी सही है कि गलत है, तो बोल देगा कि भाई गलत है, एकदम हाथ खड़ा हो जाएगा गलत है गलत है, क्या कि ये अनैतिक है भाई, नीति शास्त्र में भी तो कोई चीज है ना। तो हम जो है ये जो 12-12 घंटा काम किया बैंक कर्मी, यहां तक जो है लोनों लेकर सब खरीदा है, शेयर खरीदा है बैंक का, क्या भाई कि बैंक को जो है सार्वजनिक का जो ठप्पा है ना वो रहने देंगे, बचा लेंगे, कुछ भी करके लेट बैठ के ये करके एकदम दिस दैट लगा हुआ काम में सब झमेला, बैंक में स्टाफ भर्ती नहीं हुआ लेकिन तय किया है कि बाहर रहा है, आधार कार्ड बनाने का कोई काम ही नहीं है बैंक में, तो कोई है ही नहीं कि बैंकिंग का काम है, लेकिन वो किया है का भाई, तो सरकार बोल रहा है, सरकार तो माई बाप का दोस्त, वो बोला है तो करना पड़ेगा, सार्वजनिक बैंक है, ये इंश्योरेंस बेचो, वो कर दो, ये दे दो, फलना चिलना ढकना, ये लोन दे दो, वो लोन दे दो, ये पैकेज वो पैकेज, सब बैंक के माध्यम से होगा, दोनों काम के लिए मना किए हैं क्या, नहीं किए मना। अब जो है पूरा चूस लिए पकड़ के, जैसे मधुमक्खी है ना, मधुमक्खी मधुमक्खी देता है शहद, अब मधुमक्खी को जो है पूरा चूस लिए, अब बच गया सेठी, तब तो कोई काम करने है सेठी फेंक दो, तो वही हुआ, बैंक को जो है पूरा तरह से काम करवा करके और जो है पूरा एकदम दिए पतला कर दिया, हालत खराब कर दिए, अब कहते हैं कि जो है ठीक नहीं काम कर रहा है बैंक वाला, बेच दो प्राइवेट कर दो, क्या करे भाई, ये प्रॉब्लम है बहुत हो गया है, छाती पे बैठ गए, माथा पे बैठ गए, माथा पे नाच रहे हैं, तो स्वीकार कर लें क्या इसको, किसको विरोध करेंगे, लोकतांत्रिक तरीके से, क्योंकि लोकतंत्र है तो लड़ाई का तरीका तो है, हम लोग माथा मार के मुंह फोड़ देंगे ऐसा तो नहीं करते हैं, हम लोग सभ्य हैं, संविधान है, कानून है, हम लोग ऐसा नहीं बम फेंक दिए, वो तो नहीं चलेगा ना, लड़ाई चाकू मार दिए तो नहीं चलेगा, डिफॉल्टर पर गुस्सा आ रहा है कि धर के मुंह नाक धर दे, मुंह तोड़ दे पकड़ के, लेकिन वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है वो हमारा लोकतांत्रिक संवैधानिक मर्यादा के अंतर्गत नहीं आता है, हमारी सभ्यता के अंतर्गत भी नहीं आता है, हमारी हिंदुस्तानी संस्कृति के अंतर्गत भी नहीं आता है, हम लोकतांत्रिक और वर्तमान जो हमारा ढांचा है वैधानिक संवैधानिक, उस ढांचा के अंतर्गत रखकर अपनी बात रखेंगे, बात कैसे रखेंगे, तो सरकार को एक ही बात से डर लगता है कि पब्लिक का क्या साइकोलॉजी है, मतदान का जो साइकोलॉजी है ना, मताधिकार का जो साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान वो कैसन जा रहा है, तो हम दोनों बात समझा देते हैं। ऐसा है कि ये जो सरकारी बैंक है, सार्वजनिक बैंक है, भले आपको जितना मुंह बिचका लीजिए कस्टमर लोग, ये सर्विस नहीं, वो सर्विस नहीं है, अब बैंक में भीड़ बढ़ गया है, इतना टाइम लगाता है, अरे भाई ये तो व्यवस्था का दोष है, व्यवस्था का दोष, तो बैंक का स्टाफ नहीं कुछ कर सकता है, ठीक है बैंक में स्टाफ का बहाली होना चाहिए बोलते हैं, लेकिन हम जो मोटा बात कर रहे हैं आपको, ये कह रहे हैं कि गांव में जहां जाइए, आपको कोई देखे दिखे हैं कहीं प्राइवेट बैंक, नहीं दिखेगा आपको, जहां दिखेगा सार्वजनिक बैंक, जीरो बैलेंस का खाता खोलता है, उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है लेकिन करता है। हमारे ब्रांच का एक उदाहरण बताते हैं, छोटा सा उदाहरण, एक जो है एक कस्टमर आई, 11 साल की लड़की आई, उसको थैलेसीमिया हो गया था, 4 साल की उम्र से थैलेसीमिया हो गया था, उसको जो है खाता खोलने के लिए दौड़ रही थी, भटक रही थी, प्राइवेट बैंक में लौटा दिए, तो हमारा बैंक में खाता हम लोग खोल दिए जीरो बैलेंस करके, कोई बात नहीं फटाफट। अब वो पूछे तो बात बताई कि जो है उसका ब्लड चढ़ता है महीना 2 महीना में, उसके पिता माई बाप जो है उसके जो है चाय बागान में श्रमिक है, उस लड़की का खून बदलाता है, खून बदलता कौन है, ये जो है ना यहाँ हॉस्पिटल है नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी सरकारी हॉस्पिटल, वहां पे ब्लड जो है उसको चेंज होता है हर महीने लगभग फ्री में फोकट में। अब बताइए ये अगर सरकारी हॉस्पिटल वाला नहीं रहता तो मरी नहीं जाती लड़की, बचती है, साफ हो जाती है। क्या है कि अभी देख रहे हैं कोविड का जो ट्रीटमेंट हो रहा है या जितना तरह का ट्रीटमेंट हो रहा है, बड़ा बड़ा हॉस्पिटल 10 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख मजाक बना रखा है, 10-20 लाख का इलाज होता है, 20 लाख, 30 लाख का ये क्या धंधा बना के रखे हो, लेकिन ये कोई देखने वाला नहीं, कहा है कौन नहीं देखने वाला नहीं है, क्या है भाई क्या है, तो भाई अब भाई कॉरपोरेट लॉबी है, उसी से चलता है सिस्टम सब कुछ, उनका एक प्रभाव होता है लोकतंत्र में, और आदर्श बोल के दुनिया में कुछ है ही नहीं है, ठीक है ना, वो बस चुपचाप साइलेंट मोड। तो ये जो है ना सार्वजनिक अस्पताल हो चाहे सार्वजनिक स्कूल कॉलेज हो, अब देखिए प्राइवेट स्कूल कॉलेज बहुत सारा है, अब पढ़ोगे छोटा बच्चा है, तो हमारा जो है चचेरा भैया का लड़का है, छोटा लड़का नर्सरी या LKG UKG पढ़ता है, उसका महीना की जानते कितना है, 14-15 हजार रुपया है,
14-15 हजार की तो तनख्वाह होता है, 14-15 हजार रुपया महीना का नर्सरी का बच्चा देता है, फलना चिलना ढकना बहुत मिसलिनियस चार्जेज उतलर, तो 14-15 हजार रुपया जो है बच्चा का देता है, नर्सरी का बच्चा, बड़ा होगा तो पता नहीं कितना लेगा, लाख रुपए जाएगा क्या जाएगा पता नहीं। ये जो व्यवस्था है ना, ऐसा ऐसा बहुत सारे उदाहरण है, ये व्यवस्था है चंद 10-15% लोगों के लिए हिंदुस्तान के, 10-20% मैक्सिमम, देश का 80% जो नागरिक है, जो आम आदमी है, उसके लिए है सार्वजनिक उपक्रम। यही सोच करके जो है नेहरू जी के टाइम में आया था, लाया गया था भाई, कि भाई गरीब तबके को जो है इस तरह से हम लोग मदद करेंगे और वो जो है सबको समान विकास का जो कंसेप्ट लाएंगे। तो ये चला आगे, अब जो है इसके इस जो सिद्धांत है, क्योंकि मिश्रित अर्थव्यवस्था का सिद्धांत रहा हमारा संविधान में, इसीलिए अपनाया गया क्योंकि पता था कि भारत में अभी जो है अमेरिकन पूंजीवादी मॉडल को स्वीकार नहीं किया जा सकता, यहाँ पे बहुत असमानता है, आर्थिक असमानता है, वो मॉडल ही नहीं चलेगा, फेल हो जाएगा मॉडल, अभी लाने का प्रयास किया जा रहा है। ये कुछ हद तक ठीक है, लेकिन ये सब जगह की बेच दो, डिसइन्वेस्ट कर दो, प्राइवेटाइज कर दो, तो ये आम आदमी के हित में नहीं है, उसका जीरो बैलेंस खाता कौन खोलेगा। हम तो गए थे बीडीओ साहब का मीटिंग में, तो जो है बुलाते हैं महीना दो महीना में, तो एक वो प्राइवेट बैंक वाला नहीं आया था, एक वो प्राइवेट बैंक वाला नहीं आया, सब सार्वजनिक बैंक है, ठीका ले रखा है, 40% का जो प्राइवेट सेक्टर का लोन का ठीका तो सभी को दिया ना जी, लेकिन अंदर का बात बता रहे हैं, लेकिन वहां तो कोई प्राइवेट बैंक वाला नहीं दिखाई, कोई कुछ वो नहीं करेगा, डिपॉजिट सब रहता है इनका प्राइवेट बैंक में, आज जब लोन देने वाला बात आएगा तो देगा सरकारी बैंक, आज उसका जो है पैसा नहीं लौटाएगा कस्टमर पार्टी नहीं लौटाएगा तो बोलेगा बैंक घाटे में काम नहीं किया। तो इसको रोकना है, बचाना है, क्योंकि 80% जनता के पक्ष में नहीं है, 80% जनता अगर जिनको लगता है कि भाई 10-20 हजार 5-50 हजार है उनका मतलब बच्चा को पढ़ाने के लिए, या 10-20 लाख रुपए है पैसा मतलब जो है ट्रीटमेंट कराने के लिए, हॉस्पिटल में इतना व्यवस्था है पैसा है, आपको पता है कि कोविड के लिए बंबई वगैरह से पता चल रहा है, बहुत जगह से पता चल रहा है, खबर है अंदर का कि अमीर लोग अपना जो बेड है ना हॉस्पिटल में वो एडवांस में बुकिंग कर रहा है 5-10 लाख रुपए, देखिए एडवांस बुकिंग कर रहा है, मुंबई की बात है बता सकते हैं कल्ले की बात, तो ऐसा हो रहा है। अब ये गुपचुप है, सरकार को क्या करेगा, कितना मॉनिटर करेगा, तो ये आम आदमी ना टाइटैनिक फिल्म में देखे थे ना कि जो मरने वाला रहता है ना टाइटैनिक जहाज डूबने वाला रहता है, तो पहले अमीर आदमी को जो है दिया जाता है व्यवस्था कि आपको निकाला जाएगा पहले, तो वही बात है पूंजीवादी मॉडल में, ये गरीबों का देश है, 80% देश जो है यहाँ का जो आदमी है क्रय क्षमता एकदम नहीं के बराबर है, नगण्य है, बस गरीबी रेखा के इन्ने है या उन्ने है, एकदम बीचे में लटकल है, कभी इधर हो जाता है थोड़ा बहुत मैं धंधा चैन पानी चल पड़ा तो गरीबी रेखा के ये पट्टी आ गया, नहीं तो फिर 60-80% जो आबादी है वो एकदम संकट में, और महंगाई बढ़ रहा है लगातार, महंगाई बढ़ रहा है, उसमें और भी टेक्निकल इश्यूज हैं उसके पीछे। तो अब बात ये है कि गवर्नमेंट को क्यों फर्क पड़ेगा, गवर्नमेंट को तब फर्क पड़ेगा क्योंकि ये उनको लगता है कि 80% की जनता बूढ़बक है, बेवकूफ है, समझ में नहीं आता, तो हमारा भी तो दायित्व, भारत का नागरिक है, हमारा मौलिक कर्तव्य में लिखा है कि भाई सकारात्मक चीज जो है सबको हमारा नागरिक दायित्व के रूप में बताना होगा, जनहित में जो भी हो हमको लोगों को प्रसार करना चाहिए, बताना चाहिए, दिखाना चाहिए, बुझाना चाहिए, तो ये अभी हमारा दायित्व तो आ गया है कि लोगों को बताएं, क्योंकि 80% जनता के फेवर में नहीं है ये चीज। और करना क्या है इसमें, करना ये है कि सब भाई लोगों, सब बैंकर भाई लोगों को मोबाइल फोन तो रखवे नहीं करते हैं, 10 लाख बैंकर भी है, सबके पास स्मार्टफोन है, खाली फोटो खींचने के लिए तो नहीं, ऐसे अपना टाइम पास कर कीजिए, टाइम पास कोई बात नहीं, लेकिन अभी जो है एग्जिस्टेंस का लड़ाई है, अस्तित्व का लड़ाई है, कम से कम एक आदमी, एक जो हमारा बैंकर्मी भाई है, एक कस्टमर का एक तो वीडियो, एक मिनट का, दो मिनट का, पांच मिनट का, इसे रिकॉर्ड कीजिए, क्योंकि सार्वजनिक बैंक की क्या भूमिका रही, क्या योगदान रहा, क्या महत्व रहा, उनके जीवन में क्या बदलाव आया, कम या ज्यादा जो भी है वो उसको जो है सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर डाल दीजिए, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण पूरे हिंदुस्तान में। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट के पास बहुत बड़ा चैनल है, वो सीधा आकर टीवी पे बोल देता है, एक बार आके आज तक में बोल दिया कि भाई ये है प्राइवेट का ये फायदा है, प्राइवेट बैंक का फायदा है, अब लोगों का दिमाग हो जाता है बंद, ये एनालिसिस जो है ना जो चौथा स्तंभ है वो भी नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है सबको पता है कि भाई वो तो विज्ञापन दिखाना है, तो विज्ञापन तो तभी ना दिखाएगा कोई गवर्नमेंट देगा उसमें अपना, जब उसका उसके बारे में अच्छा अच्छा बात बोलेगा। अब इसके चक्कर में हो गया है चौथा स्तंभ का रोल खत्म, अभी चौथा स्तंभ आप बनिए, इसलिए स्मार्टफोन का कंसेप्ट आया है, फेसबुक का कंसेप्ट आया है, सोशल मीडिया का कंसेप्ट आया है, आप सब जो है रिकॉर्ड कीजिए और अपनी बात रखिए,
बात रख करके जो है उसको जनता के बीच में लाइए, बताइए, भर दीजिए पूरा मोबाइल स्मार्टफोन रिकॉर्ड करके जो है सब कुछ भर दीजिए। सब बैंककर्मी अगर मिल गया ना तो यकीन मानिए वैचारिक क्रांति होगा, वैचारिक क्रांति। ये जितना निजीकरण का जो है ना रुपया हवा, ये सब बदल जाएगा। कैसे होगा? ऐसे होगा कि वही फिर से बोलेंगे सबको पार्टिसिपेट करना, एक दो को चार को पांच को दस को बीस को बोलने से ना होगा, पूरे हिंदुस्तान के पैमाने पे ऑल इंडिया लेवल पे सबको, क्योंकि हम लोग का भाई सब लोग बैंकर भाई लोग है, कोई साउथ में कोई ईस्ट में कोई नॉर्थ में वेस्ट में सब जगह है, सबको एक एक वीडियो बनाना है और मैक्सिमम प्लेटफॉर्म पर शेयर करना है मैक्सिमम। और इसके अलावा जो भी हमारा सार्वजनिक बैंक के संदर्भ में और निजीकरण के विचारधारा के विरुद्ध जो कंटेंट हमारा यूट्यूब पर या नेट पे अवेलेबल है एक्सपर्ट्स के द्वारा उस वीडियो कंटेंट को उठाना है और शेयर करना है डेली बेसिस, 10 मिनट रोज जितना टाइम देना है, ट्विटर हो, सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, जो भी है कीजिए। ऐसा होगा कि पूरा आपका जो है पूरा हिंदुस्तान में आए अगले महीने तक, उस समय में हमारा जो बैंककर्मी का जो मांग है और पूरे हिंदुस्तान का मांग है, गरीब लोग का मांग है, निम्न मध्यम वर्गीय का मांग है, मध्यम वर्ग का मांग है, आम जनता का मांग है जो कि बैंककर्मी का मांग है, वो उस विचार से पूरा का पूरा हिंदुस्तान का जो प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का वो भर जाएगा। मीडिया को भी फिर आना होगा साथ में, सिस्टम को भी आना पड़ेगा, विपक्ष को भी आना पड़ेगा, पक्ष को भी आना पड़ेगा, सबको आना पड़ेगा धीरे धीरे, क्योंकि सबको अपना अपना डर है। और फिर हमें पूरा उम्मीद है कि जीत हमारी होगी। लास्ट में बात बहुत हो गया, वीडियो बहुत लंबा बन गया, ठीक है, बहुत धैर्य रखिए आप, लास्ट में फिर तो वही बोलेंगे, स्टॉप प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण बंद हो, निजीकरण बंद हो, निजीकरण बंद हो। जय हिंद, जय भारत।